ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो, बदले में मुझे भागवत कथा सुना दो। लेकिन देवताओं ने निराशा का ही सामना करना पड़ा। जो श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को सुखदेव जी ने नहीं सुनाया, वो भागवत कथा का श्रवण अगर आप कर रहे हो तो कई जन्मों के प्रारब्ध के उदय के बाद यह अवसर आया है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। भागवत कथा में या रामचरितमानस में नव भक्ति बताई गई है। शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया गया था। नौ प्रकार की भक्ति करी जाती है और आपको उसमें से जो सबसे मूल है वो भी मिल रहा है और नौ के नौ मिलने वाले भी हैं। व्याख्यान करता रहूंगा समय समय पे। जीवन में सबसे पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। सर्वप्रथम भक्ति संतों का सानिध्य पाना है। अनेक प्रकार से फिर भक्ति का व्याख्यान समय आते करेंगे। पाद्य सेवा, निवेदन, संकीर्तन, इस तरीके से भक्ति की जाती है। लेकिन जब भी प्रभु को पाना है तो विचारों की गति को शून्य रखना, विवेक को शून्य रखना, बुद्धि को स्थिर रखना। और जब कभी संतों के सानिध्य में बैठें, गुरु का सानिध्य मिले, तो शेखावत जी कान खुले मुंह बंद है? संतों के सानिध्य में जब बैठो तो कान खुले और मुंह बंद होना चाहिए। मनन चिंतन। अब हम कथा करने जाते हैं तो बहुत लोगों से समावेश। एक तो विडंबना है मेरे साथ, मेरी उम्र छोटी है और पद बड़ा है। राष्ट्रीय संतों की श्रृंखला में आते हैं। और दूसरा, मेरा बोलने का स्टाइल जो है ना, स्ट्रेट फॉरवर्डर है। तो इसलिए मैं हर रोज कथा में आप लोगों से कहूंगा कि श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस व्यक्ति के जीवन पे आधारित है। अगर मेरे कोरी शब्द किसी को लगे तो ये मत बोलना कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं, क्योंकि ये वो गद्दी है जहां सत्य ही बोलना चाहिए। पहले ही निवेदन कर लेते। 19 साल पहले की बात है, तो मैं महामंडलेश्वर नहीं बना था और आपके पोरबंदर में एक बहुत बड़ा संत, हमारे आदरणीय वंदनीय श्रद्धेय पूज्य शंकराचार्य जी भी उपस्थित। तो वहां उन लोगों ने कहा अहंकार नहीं करना चाहिए। अब देख लीजिए मैं कितना विलक्षण बोलता हूं। अहंकार नहीं करना चाहिए। तो मुझे लाड में ब्रह्मांडपुरी नहीं, कमंडलपुरी कहते थे बद्रीपुरी बापू डांगिया वाले। बोले वो कमंडलपुरी, अब तू बोल। तो पहली बात तो अपने से बड़ों के आगे विद्वता नहीं दिखाते। मैंने कहा गुरुदेव, हमारी और आपकी बात में खुटर पुटर हो जाने वाला है, इसलिए ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा। बोले नहीं, बोलना पड़ेगा, सीखेगा कैसे। मतलब तो सीखने के लिए तो आए आपके पास, और बाकी लाइफ नेम इज लर्न एंड टीच। ये तो जिंदगी है, सीखने सिखाने में जानी है। मैंने कहा महाराज आपने कहा अहंकार मत करो, लेकिन ब्रह्मांडपुरी जी कहते हैं अहंकार करो। तो तर्क तो होना ही था। अहंकार करो लेकिन निकृष्ट नहीं, श्री अहंकार करो।
ये राज्य मेरा है, ये साम्राज्य मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये अहंकार करेंगे तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। और मेरे भाई बहन, अगर आपने ये अहंकार कर लिया कि ठाकुर मेरा, ठाकुर की कृपा मेरी, तो इस अहंकार से ही भव पार हो जाओगे। निकृष्ट अहंकार नहीं, श्री अहंकार करो। गर्व होना चाहिए हम सनातनी, गर्व होना चाहिए हमें माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है, गर्व होना चाहिए मुझे गौ सेवा का अवसर मिलता है। बाकी तो राम नाम जपना, पराया माल अपना, 10 लाख में कथा बेच रहे हो, बाद में कुष्ठ रोगी हो रहे हो। स्वामी जी मेरे को लिकोडर्मा हो गया। ब्रह्म और वेद को बेचना नहीं चाहिए, ये जगत के पालक हैं, प्रतिपालक हैं। और जहां इतनी स्पष्ट बाधिता से लिखा गया हो, स्वच्छ शब्दों में लिखा गया हो कि ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इतने साफ शब्दों में जहां लिखा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीवात्मा है, शरीर नहीं, इसको पहले जानो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयात्म ब्रह्म परात्म ब्रह्म, हर आदमी जानता है कि मैं जीवात्मा का अंश, मैं परमात्मा का अंश जीवात्मा हूं। मुझे पवन उड़ा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, तेज ढाल की तलवार हमें काट नहीं सकती, अग्नि हमें जला नहीं सकती, फिर भी ये नश्वर शरीर के पीड़ा में आघात का प्रतिघात क्यों? बनो ना परीक्षित, भागवत कथा सुनना है तो अष्टम दिवस में, सप्तम दिवस में संतों ने प्रश्न किया, परीक्षित अब तुम्हें भय नहीं लगा है? क्योंकि विधि तो नहीं टलेगी, होनी नहीं टलेगी, भावी नहीं टलेगी, जो होना है होगा। और मृथा न जाय देव ऋषि वाणी, झूठ कहीं तो साच ही जाने। संत का श्राप है, वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं, कुछ ही पलों में आपको सर्प दंश करेगा, तो क्या तुम्हें भय है? परीक्षित जी ने कहा नहीं नहीं, अब मुझे भय नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और यह सर्प इस शरीर को छू सकता है, इसलिए नश्वर को छोड़ दें, शाश्वत के सानिध्य में आए और इस जड़ को चेतन कर ले, तो भागवत कथा का आनंद है। परीक्षित जी को जब पता लग गया कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित ने क्या किया? सब छोड़ दिया और बचा हुआ समय हरि के सानिध्य में चले गए कि बीती चाह विसार दे आगे की सुधिले। और हम जितने जितने नजदीक आते हैं उतने लोभ बढ़ता जा रहा है। दिवाली है तो बेटे के लिए ये लाना, बहू के लिए ये लाना, पड़ोसी के लिए वो लाना। अरे मेरे भाई बहन, ये जगत छोड़कर उस यात्रा के लिए कुछ तैयारी है क्या आपके पास? मेरा एक बिहार का बच्चा था, सानिध्य में आया, बोले गुरुजी शहर और गांव का आप परिभाषा क्या है, कैसे हम समझे आपके साथ जा रहे हैं? हमने कहा बेटा, जब कुत्ते का बच्चा गोद में और खुद का बच्चा पैदल समझे, तो समझ लेना गांव शहर आ गया। जब कुत्ते का बच्चा गोद में हो और अपना बच्चा पैदल चले, तो समझ लो शहर आ गया। धन्य है भारतीय संस्कृति है। अक्सर देखा जाए 50-50 लाख की गाड़ियां, लोगों से कहते भैया गाय रख लो, तो क्या जवाब मिलता है? स्वामी जी आपको नहीं पता, बड़ी विनम्रता है, लोग बच्चे नहीं है, आदमी नहीं मिलते, कौन उसकी देख रेख करेगा? फिर गुरुदेव ने बड़े प्यार से कहा, लाला ये गाड़ी के लिए भी तो आदमी है। नहीं गुरुदेव,
वो गाड़ी तो इसलिए है कि मेहसाना से पोरबंदर अहमदाबाद जाना पड़े है, यात्रा करवा दे। रे मूर्ख, बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तेरी, जो सिर्फ आधुनिक यात्रा इस लोक की यात्रा करा रहा है उसके लिए तेरे पास समय है, धन है, पैसा, और जो तुझे उस धाम का भी परम यात्रा करवा दे उसके लिए समय नहीं है। इसलिए गौ चरणों में समर्पण होना चाहिए। आज भी बोलता हूं ओनली पार गोझरण से किसी भी तरीके का कैंसर हो गारंटी से ठीक होता है, ये मैं दावा करता हूं इस मंच से WHO को बोलता हूं, आ जाओ आजमा लेना। गाय के गोबर के पंचगव्य से बांझ पुत्रियों को भी बेटा मिल जाता है, लेकिन आप गाय नहीं पालेंगे, इनोवा रखेंगे, जेक्वार रखेंगे। अरे मेरे भाई, ऐसा समय रहा तो गौरी गणेश की पूजा किससे करोगे? भागवत कथा श्रवण का मतलब जीवन में बदलाव, बाकी टाइम पास करना तो कहीं भी हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों से पूछे बालक कथा कैसी लगी, मस्त मजा आया बाप रे, टाइम पास था, बीजे हूं करूं अपने ने बाबा, आचरण में उतारवानु जोईए ने, मां बाप ने सेवा करू जोईए ना, ए करो ना तो पची भागवत ना फायदा होए, टाइम पास मनोरंजन का साधन है नहीं, जीवन में बदलाव। भागवत कथा श्रवण करने के बाद अगर पुत्र रोज सुबह पिता का पैर छूने लगे, माता का पैर छूने लगे, मस्तक पे तिलक लगाने लगे, दरवाजे पे तुलसी हो, घर में अग्निहोत्र हो, ठाकुर की उपासना और चरणामृति का पान हो, तो भागवत का आनंद है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। 700 को पकड़ो, नस्वर को छोड़ दो, और आज परीक्षित जी ने क्या किया, तुम्हें मृत्यु सुनिश्चित है, सर्प दंश होगा, फिर डरना क्या, और उनके भाव क्या था, मन को समझा रहे थे क्या, ओ मेरे मनवा ओ मेरे मनवा क्या है रे जग जोड़ ले, कितने महल बना ले, तिनक तिनक दिन तिनक तिनक महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, तेरे मरने के बाद में सुन ले तेरे ये घर वाले, सुन ले तेरे ये
राम धुन लागी श्री राम धुन तरीके से पवित्रीकरण किया जाता है विप्र देवता हरि हवो मा पावित्रम पावित्रो सर्वास्थान गतो पिवा यम स्मरेत पुंडरीम काक्षा सवाह्या व्यंतरह सुचि ओम सह पुना। पवित्रीकरण का भाविक प्रमाण या शाब्दिक अर्थ ये है अपनी आत्मा में देवत्व धारण करना। अगर आत्मा में देवत्व नहीं है तो पवित्रीकरण का कोई भी अभिप्राय नहीं। यज्ञ की भाषा बोलते हैं आप, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन यज्ञ का उत्पत्ति यज धातु से है। यज्ञ की उत्पत्ति यज धातु से है, अस्तु यज धातु से यज्ञ निर्माण हुआ है। और यज्ञ करने के लिए प्राण की वेदी, हृदय की संविधा, ज्ञान की अग्नि जला करके मन के विकारों की आहुतियां दी जाए तो यज्ञ पूर्ण होता है, अन्यथा यज्ञ का अभिप्राय। घी और सामग्री जलाने को ही यज्ञ नहीं कहते। अगर किसी अनाथ व्यक्ति का पार्थिव पड़ा है, कोई उसका
अंत्येष्टि करने वाला नहीं है। आपने अगर अंत्येष्टि किया तो यज्ञ से कम नहीं। कोई अबला कन्या समाज के कुदृष्टि का शिकार बन रही है, आपने उसका विवाह कराया तो कोटि यज्ञ से कम नहीं है। कोई बालक है, शिक्षा का दान दिया, उसके लिए व्यवस्था कराई तो वो भी यज्ञ है। हमारा तो स्लोगन ही है कि नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, एंड माई लाइफ इज इन्वेस्टमेंट एंड यूनिवर्सल लव इज माई बेनिफिट। कहने का अभिप्राय है बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ कोई भी परमार्थ का कार्य यज्ञ से कम नहीं। परम धन अर्थ अस्तु परमार्थ, जीवन का परम अर्थ इस परमार्थ में ही छिपा हुआ है, क्योंकि ये पॉलिसी है, जैसे आप दोगे वैसे आप लोगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं यहां? ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है ना। तो यहां पर हृदय पे बिहारी का आसन है, भागवत जी का आसन है, ज्ञान का प्रकाश है, वैराग्य भक्ति और सूक्ष्म रूप से देवताओं के आसन आपके सुरक्षा कवच हैं। और इसे श्रवण करने के बाद आपके जीवन से दुखों का अंधकार दूर हो जाएगा, दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, ऐसा वेद व्यास जी ने कहा है। भागवत कथा श्रवण करना है तो पात्र, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अगर आपका पात्र ही सही नहीं है ना, तो विष के पात्र में अमृत डालने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अमृत भी विष में बदल जाएगा।